अमर सिंह तिलावत, पूर्व पर्यटन मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ। मैं बंजारा समाज के उलझन को समझता हूँ। बंजारा समाज में जो कन्फ्यूज़न का जन्म हुआ है, उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं स्टूडियो को आया हूँ। यहाँ से मैं ऑल इंडिया में जो बंजारा समाज में जो कन्फ्यूज़न उत्पन्न किया गया है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट, सांसद डॉक्टर उमेश जाधव ने मुझे फ़ोन करके बोले, आपकी जो समस्या है, पद को लेकर जो समस्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की समस्या के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, आप दिल्ली को आइए, ऐसा उनका निमंत्रण था। एक आदरणीय सांसद ने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं तुरंत दिल्ली पहुंच गया। मैं पार्लियामेंट हाउस में एंट्री होने के लिए पार्लियामेंट रिसेप्शन में मैं प्रतीक्षा कर रहा था, उतने में डॉक्टर उमेश जी का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगे कि मैं पार्लियामेंट से निकल के भोजन के लिए मैं मकान को गया हूँ, मेरी खोली में, मेरी कोटी पे हूँ, आप कृपा करके कोटी को आइए। तब मैंने सीधा वहाँ से पार्लियामेंट रिसेप्शन से उनके कोटी को गया, उनसे बैठ के बातचीत किया और उन लोगों ने एक दो प्रस्ताव लाया। ये विवाद के बारे में हमने उसको सब विवरण बताया कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ में 2016 में चुनाव हुए, 5 साल के लिए चुनाव हुए। हम दो आदमी ने नामांकन भरा, इसमें राजू नायक और अमर सिंह तिलावत। मई दोनों के नामांकन हमारे जांच किए गए, दो भी सही पाए गए और उसमें फिर इलेक्शन करवाया गया। जब हमारे सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया, इलेक्शन तो हो गई लेकिन 5 साल का पीरियड जो होता है उसको 2 साल राजू नायक को दे देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, और 3 साल अमर सिंह तिलावत यानी कि मुझे दे देंगे, ऐसा प्रस्ताव हुआ। और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे गए जिसके ऊपर सिग्नेचर लगाया गया, लेकिन राजू नायक मुझे पद भार देने के नाम पर, जब 5 साल के लिए चुने गए, 2 साल का पीरियड निर्धारण कर देगा तो वो चार्ज देने का लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जिस दिन हम लोगों ने अध्यक्ष बन गए उसी दिन हम लोगों ने चार्ज ले लिया। चार्ज की आवश्यकता नहीं है ऐसा मैं बोल रहा, और चार्ज मैं दिया नहीं ऐसा राजू नायक का बोलना, ये विवाद खड़े हो गया। किसी का लेना देना नहीं है, मेरा घोड़ा वो छोड़ के नहीं ले गया, उनका घोड़ा छोड़ के मैं नहीं लाया, लेकिन विवाद तो है। ये विवाद चैरिटी कमीशन में पेंडिंग है और वो फाइनल हियरिंग को आ रहा है। जैसे ही विवाद राजू नायक और तिलावत के बीच में है, लेकिन ये तीसरा आदमी कहाँ से आ गया जिसको आप लेके जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हो, वो मानो में कोई उसे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ उसका समर्थन नहीं करता। कुछ 4-5 गिने चुने लोग हैं जो उसके रात दिन उठ बैठते हैं, वो लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सारा भारत देश ऑल इंडिया बंजारा सेवक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह तिलावत को मानता है। और 6/6/2018 को जो एडवाइजरी नेशनल ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ एडवाइजरी कमेटी, 6 सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी ने भी अपना विचार व्यक्त किया, उसने अमर सिंह तिलावत ही डीम्ड टू बी ए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब विवाद समाप्त हो गया। अब इस विवाद के लेकर जो है ना और विवाद बनाना चाह रहे हैं। ये पूरी बात मैं सांसद के सामने रखा और उसे समझाया, और मैंने कहा कि जो
इनविटेशन कार्ड आपने बनाई है उसमें शंकर पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने उसमें प्रिंट करवाया है, जो कि वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, वो चुने गए राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, उसको कम से कम राष्ट्राध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है। अगर आउटगोइंग कोई प्रेसिडेंट राजू नाइक डिमांड करते हैं तो वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट का उसको अधिकार है, लेकिन उसने स्वयं को ये मान लिया है कि मैं 2 साल के लिए चुना गया हूँ और तिलावत 3 साल के लिए चुना गया है। तब ये अब तीसरे आदमी शंकर पवार है जो आपके ख़ास दोस्त है, आपका लेना देना है, आपका निजी व्यवहार उनसे होगा, आप उनको अच्छा पसंद करते होंगे तो वो ठीक है, लेकिन समाज के लिए वो मान्यता नहीं है। इसलिए मैं जिस टाइम हमारे सांसद को मिला तब सांसद के साथ में मैंने फ़ोटो उतरा, उसमें हमारे पवार जी भी साथ में थे। तो जब मैं वहाँ से वापस लौट के जब मैं हैदराबाद को आया तब तक के तो कह दिए कि वो शंकर पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अमर सिंह तिलावत उस मीटिंग में हाजिर हुए, ऐसा जो है ना संबोधन करना चालू किए, ये सरासर गलत है। मैंने किसी को राष्ट्राध्यक्ष का समर्थन नहीं किया, समर्थन करने का अधिकार भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारा वाद विवाद चैरिटी कमीशन मुंबई में पड़ा हुआ है, वो चैरिटी कमीशन जब डिसाइड करेगा वही आदमी राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, या अमर सिंह तिलावत रहेगा या राजू नाइक रहेगा, पर तीसरा आदमी को इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि राजू नाइक अपनी सीट खाली नहीं किया है, अमर सिंह तिलावत जब उनकी सीट खाली नहीं किया है तब तीसरे आदमी का जो नॉमिनेशन होता है ये कैसा संभव है? आप समाज को किस उलझन में डाल रहे हो, समाज को क्या दिशा दे रहे हो? आप जनप्रतिनिधि हैं, समाज को संगठित करके चलना आपका कर्तव्य है। जब आपने निमंत्रण दिया तो मैं ये समझा कि आप संगठित करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मेरे से बात करने के बाद आपने मुझे आश्वासन दिया कि मैं मध्य प्रदेश वालों से, राजस्थान वालों से, महाराष्ट्र वाले से, कर्नाटक वालों से बातचीत करके फाइनल करेंगे बोल के मुझे एक तरफ आप दिलाचा देते हो और दूसरी तरफ इनविटेशन कार्ड आप छाप रहे हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपा करके इस ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के झमेले में आप मत आइए, आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि इसके एक निर्धारण नमूना है, एक तरीका है, एक विधि विधान है और ये चैरिटी कमीशन में केस चल रहा है। तो मैं आपसे ये एक अनुरोध करता हूँ, सांसद जी आपको आपके मित्र पवार से अच्छी लगन है तो आप निजी मामला है आप मान के चलिए, आप साथ में लेके चलिए, लेकिन ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो है ना उसको बनाने की जो आपकी कल्पना है वो गलत है, सरासर जो है ना ऑल इंडिया में बंजारा समाज उसको कोई नहीं मानेगा, सिर्फ उसी को मानेगा जो चैरिटी कमीशन डिसाइड करेगा उसी की मान्यता देता है। यही संदेश से मैं हमारे लोगों में जो कन्फ्यूज़न आया हुआ है, जो उलझन आई है, जो बाधा आई है, जो दुख हुआ है, तिलावत साहब आपके दुख का कारण नहीं है, कुछ स्वार्थी लोगों से ही ये दुख का जन्म हुआ है और मैं कोई विवाद नहीं खड़े रखना चाहता हूँ। 281 वाला जो जन्मदिन है संत सेवालाल महाराज का, उस दिन जन्मदिन को बड़े अच्छे पैमाने में होना और हम उसका कोई जो है ना खिलाफ़ नहीं करेंगे, खिलाफ़ जाने का प्रश्न नहीं है, जो खिलाफ़ करना भी है, जो निर्णय हमारे सांसद ने लिया है उसका खिलाफ़ इस मीटिंग के बाद लेंगे, संत सेवालाल जयंती के भी बाद लेंगे। सेवालाल जयंती को हम कोई समस्या खड़े नहीं होने देंगे, समस्या आने नहीं देंगे, उसमें कुछ बिगड़ी होने नहीं देंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों को उद्देश्य से मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि हमको संत सेवालाल जयंती को एक
में समस्या खड़े रखना नहीं है। इसके बदले में मैं आपको ये बोलूँगा कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ सारे भारत के सभी तांडों में, सभी मोहल्लों में, सभी बंजारा कॉलोनी में संत सेवालाल महाराज की जयंती का आप ऑर्गेनाइज कीजिए। संत सेवालाल महाराज जयंती सप्ताह का आप ऑर्गेनाइज कीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कीजिए, स्टेट लेवल में कीजिए, मंडल लेवल में, तालुका लेवल में कीजिए, जहाँ जहाँ आप अच्छा समझते हैं 7 दिन तक आप संत सेवालाल महाराज का जन्मदिन मनाते रहिए। और जो जन्मदिन ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से मनाने का आदेश ऑलरेडी हमने दे दिया है, सब लोग आप जैसे जैसे समावेश करते हैं, जैसे जैसे भोग भंडारों कार्यक्रम करते हैं, और समाज के हमारे जो वीर है, सूर है, विद्वान है, समाज सुधारक है, महान संत है, संत सेवालाल महाराज का 281 यानी कि 281 वाला जो जन्मदिन है, आप बड़े मस्त जो है ना मनाइए, और मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ मेरे इन वचनों से, इन शब्दों से आपके पूरे विवाद मिट गए, आपके विचार में परिवर्तन जो आया था उसको आप सुधारिए। तिलावत साहब न तो झुकेगा न झुकने देगा, समाज की शान बनाए रखेगा, समाज को संगठित करके मेरा कार्यकाल पूरा करने के बाद इलेक्शन करके 2 दिन पहले ही इलेक्शन करवा दूंगा और नए अध्यक्ष की घोषणा मैं करवा दूंगा। लेकिन मैं कुछ सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए एक नियम जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो निर्धारण किया है उसके हिसाब से ही मैं काम कर रहा हूँ। मेरे 3 साल का कार्यकाल चालू हो गया है, 1.5 साल पूरे हो गए हैं, अब 1.5 साल बच के हैं। मुझे अब तक सारे राजस्थान में जब बंजारों के ऊपर विकट परिस्थिति आई थी नागौर ज़िले में, तब ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का प्रतिनिधि मैं वहाँ जाकर बंजारों की समस्या के ऊपर अध्ययन किया, और जिन बंजारों को अवैध कंस्ट्रक्शन मान के जेल में डाला गया था उन सब लोगों को बेल दिला के, एडवोकेटों से बात करके, चीफ मिनिस्टर से बात करके, इन लोगों को रिहैबिलिटेशन करने का हमने ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उतना ही नहीं, गोवा के 36 दुकानें बंजारों की बंद कर दी गई थी, उन लोगों को वहाँ व्यापार करने से रोका जा रहा था। जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने बंजारों के बिजनेस में बाधा पहुँचा रही थी। जब ऑल इंडिया बंजारा का प्रतिनिधि बनकर मैं स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री से इंटरव्यू लेकर, इंटरव्यू में उसकी मुलाकात करके बंजारा समाज के लोगों को संरक्षण करने का जो है ना डिमांड उनके सामने रखा, तभी मुख्यमंत्री ने वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट वालों से बातचीत करके हम बंजारी समस्याओं को, बंजारों का जो मुसीबतें हैं दूर करने का हमने मेमोरेंडम दे के उसको दूर करने का हमने कोशिश किया है। उतना ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा बलवान आदमी, बड़ी खोम का आदमी है, 5 बंजारों को बावले में गिरा दिया था, बावले में पटक के मार डाला था। ऐसे केस में 6 महीने से उस केस में उसकी अरेस्ट नहीं हो रही थी, थाने में केस दर्ज नहीं हो रहा था। तुरंत मैंने होम मिनिस्टर को उस केस को रेफर किया, होम मिनिस्टर से मिला, अमित शाह को मिलकर उसके बारे में मैंने रिक्वेस्ट किया, तभी वहाँ से आर्डर हो गया। मध्य प्रदेश में इन 5 लोगों की मौत के जिम्मेदार आदमी को, 6 महीने से घूमने फिरने वाले आदमी को, चुप रहा था, कानून के आँखों में धूल झोंप रहा था, वैसे आदमी को आज जेल के खटारे में हम बंद करवा दिया है। समाज में इतना ही बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, काम मांग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कोई तो मसीहा उनके लिए आए काम करे। मैं ये चाहता हूँ, आप काम करना चाहता है तो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का प्रतिनिधि बन के करना चाहते हो तो हमारे साथ में जुड़ जाइए।
नहीं करना चाहते हो तो दूसरा संघ बना के आराम से काम कीजिए, आपको कौन रोक रहा है? क्यों एक संघ को दूसरा लोग गाली देता है, दूसरे संघ को तीसरा लोग गाली देता है? ये एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक को ऊंचा दिखाना, एक को नीचा दिखाना, ये हमारे बंजारा समाज की संस्कृति नहीं है। आप काम करना है। अब देखो, मैंने तमिलनाडु में अध्यक्ष पद नए का चुनाव किया, केरला में नए अध्यक्ष का चुनाव किया, आप अंदाज़ा लगाइए हरियाणा में नए अध्यक्ष का चुनाव किया, इसी प्रकार से हरियाणा के बाद जो है ना दिल्ली में नए अध्यक्ष का चुनाव किया, वहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो आप विघ्न मत डालिए, समाज कल्याण के लिए जो काम हो रहे हैं उसे होने दीजिए। हमारे केंद्र सरकार से हमारी जो डिमांड आज के तारीख में है कि हमारी जो बंजारा भाषा है, गोर बोली, ट्राइबल जो लैंग्वेज है हमारी बंजारा लैंग्वेज, इसको 8वीं सूची में, संविधान के 8वीं सूची में इसकी रक्षा किया जाए, इसको 8वां सूची में स्थान दिया जाए, ये प्रथम डिमांड हमारा है। दूसरा हमारा डिमांड ये रहेगा कि भारतवर्ष में रहने वाले, कोना कोबरा में रहने वाले जो बंजारा समाज है, आज बड़े दूषित है, बड़े पीड़ित है, बड़े तकलीफ में है, बड़े मुसीबत में है। इन सब लोगों को कम से कम ज़रूरत पहुंचने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, पीने का पानी के लिए, रोड के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए नेशनल तांडा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डिमांड हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रखे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे पीरियड में ये काम हम बना के रहेंगे और लेके रहेंगे, सरकार की मदद लेकर इसको हम, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उतना ही नहीं, बाबा लक्कीशाह बंजारा उत्तर भारत में बहुत बड़ा व्यापारी है और बंजारा समाज से हैं, बहुत बड़ा धनी आदमी थे और उनकी ज़मीन जो है ना ब्रिटिश सरकार ने छीन लिया था। आज ब्रिटिश एक थोड़ा बहुत पैसे देकर ये उनकी ज़मीन खरीद ली गई। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बाबा लक्कीशाह बंजारे के नाम से एक 5 एकड़ की ज़मीन दिल्ली के अंदर दिला के एक म्यूज़ियम बनाया जाए, एक बंजारा भवन बनाया जाए, ताकि बंजारा समाज के जो भी छात्र जब दिल्ली जाते हैं उस हॉस्टल में रह के उनकी पढ़ाई कर सके, रहने के लिए जगह हो, ताकि उनकी सुविधा हो सके, ऐसा हमारा डिमांड रहने वाला है। अंत में मैं ये कहूँगा कि जब लक्कीशाह बंजारा के नाम पे वहाँ पर आप बना रहे हो तो रायसीना टांडा था तो एक रोड का नाम, एक दिल्ली के एक प्रमुख रोड मार्ग का नाम लक्कीशाह बंजारा नामकरण करे, ऐसी डिमांड हम सरकार के पास रखे हैं। मेरे दोस्तों, हमें काम करने दीजिए, आप 1.5 साल तक हमको अड़चन मत कीजिए। विद्वान लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरा पीरियड मुझे पूरा करने दीजिए। सांसद जी, आप भी मेरी बात को सुन रहे होंगे, सुनो, आप हमारे विरोध में नहीं, हम तुम्हारे विरोध में नहीं हैं, क्योंकि आप मेरा लेने वाले नहीं हैं, मैं आपका लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन समाज के काम करने वालों के बीच में टांग अड़ा कर हमें मतलब समाज को आप विचलित मत कीजिए, समाज को परेशान मत कीजिए, समाज की दिशा भूल मत होने दीजिए। नौजवानों के ऊपर बंजारा नेताओं का जो है ना के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा, ऐसा भूल के भी काम मत कीजिए। आप बड़े अच्छे एक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का नाम न लेते हुए, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ अपने स्वयं प्रतिपत्ति के ऊपर सारे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में सेवालाल जयंती मना रहा है, आप भी मनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का शब्द या उनका नाम आप गलत उपयोग नहीं करना, ऐसा मैं हाथ जोड़ के आपको अनुरोध करता हूँ, भारत समाज को अनुरोध करता हूँ, भारतवर्ष के बंजारों को अनुरोध करता हूँ। घर घर में, तांडे तांडे में, तालुका जिला में जो है ना लक्कीशाह बंजारा के
जैसे आप मनाते हो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जिस प्रकार से सेवालाल महाराज की जयंती मनाते हैं, उत्तर भारत में आप सेवालाल की जयंती मनाइए, दक्षिण भारत में हम बाबा लक्कीशाह बंजारा का जयंती और वर्धंती मनाएंगे और हम खुशी से भारतवर्ष में एक नया इतिहास रचाएंगे। इतिहास रचाने वालों में से आप लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इतना कहते हुए मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है कि आपके जो उलझन है, आपका जो कन्फ्यूज़न है, दूर करने के लिए मैं मेरा कार्यकाल पूरा कर रहा हूँ। कोई कहने से अध्यक्ष नहीं बन जाता, काम करने से अध्यक्ष बनता है, यही मेरा नारा है, यही मेरा इशारा है। नमस्ते, जय बंजारा, जय सेवालाल।